हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर हमें अप्रिमेय संख्याओं के बारे में बताया गया है। अप्रिमेय संख्याओं के बारे में और प्रिमेय संख्याओं के बारे में हमने स्टार्टिंग में एक्सरसाइज 1.1 शुरू की थी, तब जानकारी हासिल कर ली थी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो, शुरू करते हैं हम अप्रिमेय संख्याओं के बारे में। देखो क्या क्वेश्चन है अपना, कि सिद्ध कीजिए कि अंडररूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है। मतलब अपने को दिया गया है कि अंडररूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, पहले इसका उल्टा मान लेते हैं कि मतलब अंडररूट 5 है, इसको हम क्या मान लेंगे, प्रिमेय संख्या मान लेंगे। देखो क्या करते हैं, हम माना अंडररूट 5 एक प्रिमेय संख्या है। आगे बात समझ में कि हम क्या कर रहे हैं, अप्रिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, पहले प्रिमेय संख्या मान लेते हैं। और अगर ये प्रिमेय संख्या नहीं होती है तो क्या होगी, ये अप्रिमेय संख्या होगी। देखो अंडररूट 5 बराबर क्या है, एक प्रिमेय संख्या है। और हमें पता है कि प्रिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और वहाँ पे क्यू का मान क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम अंडररूट 5 को पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब परिमेय संख्या वही होती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और वहाँ पे क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। इनके साथ साथ एक क्या होता है कि पी व क्यू दोनों क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सहभाज्य का मतलब होता है कि दोनों का एचसीएफ, पी व क्यू का एचसीएफ जो होगा ना, वो क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। मतलब अपने पास प्रिमेय संख्याएं वही होती हैं जिनको अपन p बटा q के रूप में लिख सके और q का मान 0 नहीं हो। दूसरी कंडीशन ये है कि p और q दोनों सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, जहाँ पे p और q दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो इसको हम क्या कर लेंगे, अपॉन 1 मान लेंगे, फिर क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो p बराबर अंडररूट 5 क्यू, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, आगे बात समझ में, दोनों तरफ वर्क क्यों करेंगे, क्योंकि हमें अंडररूट 5 का अंडररूट हटाना है। देखो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडररूट 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडररूट 5 को अंडररूट 5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 5 आता है। हमने पास कोई भी अंडररूट की संख्या हो, अंडररूट 5 गुणा अंडररूट 5, ठीक है ना, कोई भी संख्या हो, अंडररूट 2 गुणा अंडररूट 2, अंडररूट की संख्या को आपस में गुणा करते हैं तो क्या आएगा, इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब अंडररूट की संख्या को आपस में गुणा करते हैं तो अंडररूट हट जाता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम अंडररूट 5 का तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्यों स्क्वायर अपने पास हो ही गया, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या होगी, समीकरण 1। अब देखो अपने पास क्या है, हम जैसे ये 5 है, ये क्या है, क्यू स्क्वायर का गुणांक है। मतलब ये यहाँ पे गुणा में है, अगर ये यहाँ आएगा तो क्या होगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा। मतलब बराबर के इधर कोई संख्या अगर मल्टीप्लाई में है तो वो बराबर के इधर आएगी, तो वो किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो हम एक बात लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। मतलब क्या होगा, देखो पी स्क्वायर है, ये 5 से विभाजित होता है, तो क्या होगा, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या, अगर अपने पास कोई स्क्वायर में कोई संख्या है, जैसे पी स्क्वायर है, अगर वो 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ये हम देखते हैं, देखो एक एग्जांपल, जैसे अपने पास क्या है, 16 है, ठीक है ना, 16 है, इसका अंडररूट हम निकालें, अंडररूट कितना हो गया, 4,
तो अगर 16 चार से विभाजित है तो चार भी क्या होगा, चार से विभाजित होगा। अगर अपने पास फिर कोई स्क्वायर में संख्या है, चार का स्क्वायर करें अपने पास क्या हो गया, 16 हो गया। तो अगर 16 चार से विभाजित है तो चार भी चार से विभाजित होगा। आगे बात समझिए, अब देखो इसके लिए क्या है अपने पास से? आगे इसके लिए क्या करेंगे हम कि p बराबर क्या कर लेते हैं, 5r मान लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, इसका कोई नियम है, ठीक है ना, कि p बराबर क्या होता है, 5r होता है, ठीक है ना। अब इसी की तरह क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा देखो, पी स्क्वायर, पाँच का वर्ग क्या हो जाएगा 25, आर का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो ये समीकरण क्या आ गया अपने पास, 2 आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, यहाँ पे क्या है पी स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण एक से पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखते हैं, क्या करते हैं हम पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से इसमें समीकरण 2 में रखते हैं। देखो पी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 5q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25r स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25r स्क्वायर बट्टा 5। देखो ये 5 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा है, डिवाइड में आ जाएगा। देखो 5 से कट गया, 5 5 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5r स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 5r स्क्वायर। यहाँ पे हमने देखा था कि पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित होता है तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे क्या है, क्यू स्क्वायर है। अब देखो यहाँ भी क्या होगा, ये 5 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखो, क्यू स्क्वायर अगर 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है तो क्यू भी 5 से विभाजित है। आगे बात समझ, क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। देखो जिस तरह से हमने हमने यहाँ पे क्या है ना, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या है, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो क्या हो गया, पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित होता है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे भी क्या है देखो, क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, 5r स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये गुणा में है, ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अगर क्या है 5 से विभाजित होता है तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब देखो इसलिए पी व क्यू दोनों पाँच से विभाजित है, अतः दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया, और अपने को चाहिए क्या, 1। तो ये अवधारणा जो है ये क्या हो गई, गलत साबित हो गई। दोनों का एचसीएफ होना चाहिए था 1, लेकिन हो क्या रहा है, 5 हो रहा है। अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है, अर्थात अंडररूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे बात समझने, तो इस तरह से क्या है कि ये अपना अंडररूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या साबित हुआ। इस तरह से ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया है। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे, वो भी अपरिमेय संख्याओं पर ही आधारित है। तो इस तरह से अपना ये वीडियो खत्म हुआ। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।